ये सरवन पांडे भाजपा के साम्राज्य को खत्म कर देगा और बिहार शरीफ में जिस दिन कुरान हदीस पहुंचेगा उस दिन भाजपाई नेताओं को ये पता चल। रुक जा सरवन जयचंद, रुक जा, साम्राज्य खत्म कर लेना तू, लेकिन तेरा डीएनए टेस्ट तो कर लूं। अभी मजा आएगा ना। क्या हुआ, कहीं मैं इस देश में धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाया नहीं जा रहा? अरे नहीं रे, नहीं बरगलाया नहीं जा रहा है, कमाया जा रहा है। अरे तुम जैसे नकलची बंदर धर्म के नाम पर बहका थोड़े न सकते हो, कमाते हो बेचारे, पेट भरते हो तुम लोग। देश को बचाने के लिए मैंने बिहार शरीफ में कुरान और हदीस पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजने का काम किया। अरे चुप रहो बागेश्वर, हरे झंडे की जगह भगवा झंडे। देश को बचाने के लिए इस चिंदी चोर ने बिहार शरीफ है, शायद बिहार शरीफ है, वहां इसने कुरान शरीफ को कुरियर कर दिया। ये बड़ी अच्छी बात है। और आपने देखा, शायद नोटिस किया कि जब बागेश्वर बाबा का नाम आया तो कैसे फड़फड़ाने लगा। अरे चुप रहो बागेश्वर, हरे झंडे की जगह भगवा झंडे। कैसे तिल मिलाया आप लोगों ने देखा? अरे मैं तो इस पंडित, इस चिंदी चोर को कहना चाहता हूँ, और पता नहीं पंडित है क्या है, बोलता तो अपने आप को सरवन पंडित है, लेकिन आगे वीडियो में पता चल जाएगा कौन सा पंडित है। मैं ये कह रहा हूँ कि तू देख अपने मजहब की किताब कहीं भी भेज भाई, उससे किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं। हर कोई अपने अब्बू को गिफ्ट देता है, और कोई मजहबी किताब गिफ्ट दे रहा है तो इससे अच्छी बात क्या है भाई। वहाँ जिसने जलाया, वहाँ की पुलिस, वहाँ की प्रशासन, वहाँ के लोग, बिहार शरीफ के लोगों में अगर उतनी औकात नहीं है भाई, वो मैनेज नहीं कर सकते, तो तुम जैसे नकलची बंदरों को मैदान में तो आना ही पड़ेगा कमाने के लिए। मैं प्राउड हिंदू कहता हूँ, वो लोग प्राउड मुसलमान कहते हैं, लेकिन हम दोनों हिंदुस्तानी हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद धर्म के नाम पे। देख मियां, तू सबका ठेका मत लिया कर। तू अपने आप को अगर प्राउड हिंदू कहता है तो चल अच्छी बात है, बाकी तू कैसे कहता है वो तो दिख रहा है वीडियो में, तेरे बकलोली भरी बातों से तो दिख ही रहा है। लेकिन चल, तू अगर प्राउड हिंदू अपने आप को कहता है, या मुसलमान भी जितने हैं वो भी अपने आप को प्राउड हिंदू कहते हैं, तो इसमें गलत क्या है भाई? सिंध में रहने वाले सभी हिंदू ही हैं, तो अगर मुस्लिम हिंदू सब मिलकर कहते हैं कि उनको हिंदू होने पर गर्व है, भारतीय होने पर गर्व है, तो अच्छी बात है। आप ही एफआई को बैन कर देते हैं, आरएसएस को नहीं बैन करते हैं? आरएसएस ने क्या इस देश की आजादी में योगदान दिया? गुड क्वेश्चन पंडित जी, यू आर ए गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ऐसे लग रहा है कि तू एकदम लुल पड़ा है। पंडित जी तेरी लुल्ली की छटनी हुई है कि नहीं हुई है भाई, मेरे को तो इससे मतलब नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन तू जिस प्रकार हवाला दे रहा है कि पीएफआई को बैन किया गया तो इसलिए आरएसएस को भी बैन कर दो। पीएफआई को बैन क्यों किया गया? क्योंकि वो 2049 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की धमकी दे रहा था, उसका प्लान था, वो उजागर होने के बाद उसको बैन किया गया 5 साल के लिए। आरएसएस को क्यों भाई? उसने ऐसा क्या प्लान बनाया, या उसने ऐसी कौन सी एक्टिविटी की जिससे उसको बैन कर दिया जाए? तुम लोग ये आरएसएस को ये कर दो, आरएसएस को वो कर दो, भाई आरएसएस की कमी तो नहीं निकालते तुम लोग? आरएसएस की कोई कमी नहीं निकालोगे, ऊपर ऊपर से बोलोगे उसको बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या है ये? ये बकलोली ही तो है। और बिहार शरीफ में जिस दिन कुरान हदीस पहुंचेगा उस दिन भाजपाई नेताओं को ये पता चल जाएगा, वाकई में इस देश का ब्राह्मण, इस देश का समी समाज लोग मुसलमानों के साथ खड़े हैं, अपने भाईचारे के लिए। ओ बेटियो, तू लाइन से भटक गई है, तू सबको एक ही में मिक्स कर रही है। मैं तेरे को लाता हूँ लाइन पर। बिहार में रामनवमी की जो जुलूस हुई थी उसमें कुछ चिंदी चोरों ने, भाई कौन थे पता नहीं, कुछ चिंदी चोरों ने कुछ हमला हमला किया था, पत्थरबाजी की थी, ये वो जो भी कुछ किया था, उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई करेगी। उनमें आया था कि वो कुरान शरीफ को जला दिए थे, जो भी कुछ किए थे, मतलब चिंदी चोरी ही किए थे, मतलब टुच्ची हरकत किए थे, उनको पुलिस प्रशासन अपना देखेगी। तू कौन होता है बीच में कूदने वाला? ये तो चट्टी है। वैसे पंडित जी तुझे मान लेते हैं कि तू बीच में कूदने वाली है, स्वामी प्रसाद मौर्य याद है ना, उसने क्या किया था, तब तू कहाँ गई थी ये बता। मेरे अब्बू ने सरेआम गीता को जलाया था, उसका मजाक उड़ाया था, उल्टी सीधी बयानबाजी की थी, तब तुम लोग कहाँ गए थे? उसको बैन करने की बात, उसको पार्टी से निकालने की बात, उसको जेल में डालने की बात, कहाँ गया था तुम्हारा भाईचारा? जो वाकई में इस देश के साथ खड़े वाले लोग हैं वो हमें नफरती नहीं बताएंगे। हमने कभी भी किसी भी धर्म और मजहब को तोड़ने का काम नहीं किया। पंडित जी को पता है, पंडित जी को पता है कि इसको बाद में लोग
नफरती चिंटू ही कहेंगे। हमने कभी भी किसी भी धर्म और मजहब को तोड़ने का काम नहीं किया। तू बोल रहा है कि तूने कभी धर्म और मजहब को तोड़ने की कोशिश नहीं की। अरे की है चिंटू, तूने की है। पूरे बिहार में, बंगाल में जो घटना हुई उसको तूने बीजेपी से जोड़ा। वो चलो ठीक है, वो पार्टी की बात है। तूने हिंदू से जोड़ा, तूने भगवा से जोड़ा, थोड़ा है तूने। तुम जैसे जो कथे होते हैं, जो पालतू कथे होते हैं बेचारे, इन्हीं की वजह से भाईचारा खराब होता है और किसी की वजह से नहीं। घटनाएं होती रहती हैं देश में, हर जगह घटनाएं होती रहती हैं। अब तू कह रहा कि मैं कुरान शरीफ भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। मुस्लिमों का तो मसीहा बनने के चक्कर में भाईचारा खराब होता है, वहीं खराब होता है। और जो लोग कुछ मुसलमान भी हैं, वो हिंदुओं का बहुत बड़े मसीहा बनने के चक्कर में, अपने आप को फेमस कर चक्कर में, व्यूज के चक्कर में बन जाते हैं ना। उन्हीं की वजह से भाईचारा खराब होता है और किसी की वजह से नहीं। क्योंकि जो गलत करता है उसको तो सरकार, कानून, पुलिस देख ही लेती है। अब बहुत ज़्यादा चिल्लाने से बात सही नहीं हो जाती। ये जो चिल्ला चिल्ला कर बकलोली कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं आप लोग कमेंट करके बताइए। ऐसे चिंदी चोरों के बारे में आपकी क्या राय होती है ये भी कमेंट करके बताइए। और अगर आपके पास ऐसी कोई चिंदी चोरी वाली वीडियो है तो भेजिए हमारे पास, उनका भी खबर लेते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं, मुन्ना भाई के साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।